हाय दोस्तों, शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, शुक्ला चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आया हूँ मैं लेके एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में आपको दीपचंद जी है यहाँ से, उनकी विचारधारा मैं सुनाने जा रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप उनकी विचारधाराएं सुन सकें। वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो है अपने गांव को कैसे समृद्ध बनाएं। तो आइए देखते हैं उनकी विचारधाराएं और सुनते हैं उनकी विचारधाराएं। अगर ऐसी ही विचारधाराएं सबके मन में हो तो गांव कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये जो इंसान कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दोस्तों से, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे ऑल पे करके छोड़ दें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास सीधी जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप आसानी से मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और धन्यवाद करता हूँ मैं उन दोस्तों का जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो आइए चलते हैं, दीपचंद जी की विचारधाराएं सुनते हैं और देखते हैं। 5-7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये काम करने। हाँ जी, 7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये व्यक्ति काम करता है। एक लड़का को भी पढ़ा लिखा, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे होटल में काम करेगा या किसी दुकान में काम करेगा या किसी और इंडस्ट्री में काम करेगा, अब उसका एक्सपेंसिव आप रखा होगी 10 हज़ार में से वो 3 हज़ार का क्वार्टर लेगा, 2-3 हज़ार रुपये का खाना खाएगा, वापिस 5 हज़ार रुपये घर लेकर खाएगा। अब उस 5 हज़ार को दोबारा वो बंदा क्या करेगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? जूते खरीदने के लिए फिर शहर जाएगा, कपड़े खरीदने के लिए फिर शहर जाएगा, हट फिर के उसकी जो इकोनॉमी को फिर जीरो जाएगी। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहर की तरफ भाग रहे हैं, और गांव का गांव फिर जो है वो पूरे के पूरे गांव की जो इकोनॉमी है वो जीरो होती जा रही है। तो मेरा एक मानना है कि जैसे प्राचीन टाइम में गांव में क्या होता था कि जूते लोग बनाते थे, जूते बनाने किसी का कारखाना तो था, गांव में बने जाते थे। फसलें मैक्सिमम दाल से लेकर के प्याज लहसुन से लेकर के आपकी हल्दी से लेकर के सारे लोग गांव में उगाते थे, ठीक है, आधी इकोनॉमी वहीं बचती थी। गांव का कुछ कारोबार था वो गांव में ही चलता था और तब वो गांव समृद्ध थे। उसको हम आदर्श ग्राम योजना बोलते हैं, आदर्श ग्राम के रूप में हम मानते थे उस टाइम। कुछ ऐसे फैसले जो पंचायत में होते थे और बहुत सारे ऐसे फैसले जो पंचायत में कर दिया करते थे। अब क्या है, छोटा सा मुद्दा भी होगा, केस होगा, चलो जी कोर्ट में, एक वकील आपका 1 लाख रुपए खा लेगा कि छोटे मोटे केस में 5-7 साल आपको रगड़ेगा। पहले पंचायत में क्या होता कि पंचायतें बैठती थी, गांव के सुलझे लोग बैठते थे, छोटा मोटा केस वहीं निपटा देते थे बिना किसी खर्च के। तो आपके देश की इकोनॉमी कहां बढ़ेगी भाई साहब, कहां ग्रो होगा व्यक्ति? हम एक मोबाइल लेते हैं, आज सिर्फ एक व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। एक एक बंदा भी 100 रुपए का रिचार्ज कराता होगा तो महीने का 500 रुपए का रिचार्ज होगा। 5 लोग के पास घर में 5-10 है तो 5 लोग के पास मोबाइल है, और अगर आपने नेट भी यूज करना है तो 150-200-250 रुपए का, 1000 रुपए तो आपका वही घुस गया जी, वही खत्म हो गया 1000 रुपए तो आपका, किसमें? मोबाइल में। बोलते जी गरीबी है, मेरे पास भी 10 हज़ार का मोबाइल है, मेरी वाइफ के पास भी 4 हज़ार का मोबाइल है, मेरे पिताजी के पास 2 हज़ार का मोबाइल है, मेरे बेटे के पास 3 हज़ार रुपये का मोबाइल है, 70 हज़ार रुपये के तो मोबाइल डाल के चला हुआ व्यक्ति एक घर में। अगर उसका वो 70 हज़ार रखता किसी बैंक में डालता तो वहां से उसको शायद 70 रुपये ही आते, पर उसकी इकोनॉमी वहां समृद्ध रहती। एक मोबाइल रखो, पहले तो लैंडलाइन फोन होते थे, एक रखते थे उससे बातचीत हो जाती थी, ज्यादा से ज्यादा आपने रखना तो एक एंड्रॉइड फोन रख लो कि बहुत ज्यादा कोई इंटरनेट का यूज आप लोग करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, फिर बोलेंगे ये देश की आर्थिक स्थिति डाउन है, वो तो होगी सर। खेती कोई करना नहीं चाहता, फसल कोई उगाना नहीं चाहता, लेकिन खाना सब चाहते हैं, ऐसा इज इट पॉसिबल सर? नहीं, तो हम फसल उगाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहां से सर? वो पंजाब से आती सर। फिर आप जो है, हाँ बिल्कुल पंजाब से आती है, आप सही बोले। एक पंजाब हरियाणा कितनी मास प्रोडक्शन कर सकता है सर? पूरे देश को चलाने के लिए क्या करेगा वो? फर्टिलाइजर यूज करेगा, केमिकल ठोकेगा, खाद ठोकेगा उसमें,
और उस खाद के क्या परिणाम हो रहे हैं वो हम आप सब लोग देख रहे हैं। उस खाद के ये दुष्परिणाम और की सैकड़ों तरह की बीमारियां लोगों को लग रही है। और हॉस्पिटल में जाओ जी, हॉस्पिटल का इतना बड़ा व्यापार चला हुआ है दुकानदारी जो दवाइयों की जो है कि 70% अभी आंकड़े हैं कि दवाइयों में आटा मिलाए जा रहे हैं लोग, जितने भी बड़ी बड़ी फार्मासिस्ट कंपनियां हैं वो सब सारा। तो आर्थिक स्थिति लोगों की वैसे डाउनलोड होनी सर, इसलिए हमारा आपसे सीधे सीधे जो है आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपकी जो स्थिति यही कारण है। अगर हम अपने गांव को डेवलप करना चाहते हैं तो हम क्यों ना छोटे छोटे कारखाने बिस्किट बनाने, आप एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर चले हुए जी, एक आपकी ब्रिटानिया आएगी, ब्रिटानिया का बिस्कुट आप ब्रिटानिया कंपनी पूरी स्टेट के अंदर नेशनल कर, क्यों ना आप छोटे से बिस्कुट बनाइए सर अपने गांव में, रामदेव है ना सर, क्यों ना आप साबुन की छोटी सी इंडस्ट्री एक पंचायत के अंदर लगाइए, आप अपनी ही पंचायत हमारी समृद्ध भी होगी, कोई व्यक्ति विशेष उसमें चार लोग उसमें काम भी करेंगे और चार लोग उसमें पैसा भी कमाएंगे और अपनी ही पंचायत की इकोनॉमी अपनी ही पंचायत में वो रहेगी। ठीक है कल लगा दूंगा, मतलब कल लगाएंगे परसों लगाएंगे अलग मैटर है, यह सच्चाई है। अगर आप इस सच्चाई को ठुकराना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते, वो दैट इज डिफरेंट इशू, आप वो अलग मैटर है कि आप उसको नहीं मान, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे घर की इकोनॉमी कहाँ खत्म हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी अभी हम आपको बात बता दें, हमारे यहाँ पे कामधेनु जी बहुत अच्छी संस्था खुली है, बहुत अच्छी बात है जी। हम ये नहीं कहते कि कामधेनु जी काम दी, कामधेनु जी बहुत अच्छा काम हमारे लोगों को 4,000-4,500 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लोगों को काम दिया है। अल्टीमेटली हमने फिर वहां पे भी मात खा रहे हम लोग। हम लोग पहले क्या करते थे कि अपने घर में सारा राशन होता था, मक्की उगानी हमने, जौ की खेती होती थी, धान की खेती होती थी, गेहूं की खेती होती थी, ठीक है, मांस की खेती होती थी, बहुत सारी चीज हमारे घर में होती थी। फिर हम उसका क्या चारा जो पशु को हम खिलाते थे वो खुद ही हम इकट्ठा अपने घर में ले जाते थे और उसको जो है आटा चक्की या जो हम घराट पराने थे उसमें पीस कर लेके आते थे। आज वो सारी चीजें ट्रेडिशनल खत्म होगी। जब आपकी ट्रेडिशनल चीजें खत्म होगी तो आपने अल्टीमेट क्या किया, कामधेनु जी को ही फीड प्लांट दे दिया। दाने भी कहां से कामधेनु इकट्ठा करिए, आपके घर से जो है वो अनाज ले जा रही है कामधेनु, आपके घर से वो अनाज ले जा रही है मक्की, आपके घर से जौ ले जा रही है, आपके घर से कणक ले जा रही है, फिर खुद फीड तैयार करके ही आपको दे रही है। आप वहां दूध दे रहे हैं, दूध का पैसा कहां जा रहा है, फिर वही फीड प्लांट में जा रहा है। फिर घी का पैसा कहां जा रहा है, फिर कामधेनु से घी खरीद रहे हैं। फिर दवाइयों जितनी आप गांव गौ के लिए आप ले जाते हैं, कभी वो कैल्शियम ले जाना, कभी कुछ, सर आज से 50 साल पहले तो कोई कैल्शियम था ही नहीं। आज कारण क्या हुआ जो आपको ये सारी चीजें, फिर आपकी सारी इकोनॉमी जब आपने घर से कमाया वो फिर वहीं दे दिया। इन सब सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हम जो कमा रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो कैसे रही है। आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, ये प्लास्टिक का रैपर चाय है, ये सच्ची बातें हैं। मुझे लग रहा है कि जब तक लोग हमारा युवा पीढ़ी इस चीज को नहीं समझेगा, हमारे बहुत सारे बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं, एमबीए करके आ रहे हैं, एमसीए करके आ रहे हैं, ठीक है, बीबीए करके आ रहे हैं। अल्टीमेटली आप कितने एमबीए बना दोगे, कितने बीटेक इंजीनियर करोगे, वो सारी चीजें आएगी कहां काम सर। आप खेती नहीं करना चाहते तो कितने बीटेक इंजीनियर कहां एडजस्ट करोगे, आप कितना एसेट से आप लोगों के पास की, कितना बड़ा एम्पायर है जहां सारी चीजों को खड़ा करोगे, यहां वो सारे लोग वहां जाके कमाएंगे। लेकिन तो लक्की भाई क्या समझते हैं, जो मैंने कहा जितना मैं बता रहा हूं क्या उससे आप सहमत है, कुछ और आपका भी कोई विचार है, आप कुछ पूछना चाहते हैं ऐसे कुछ इस विषय में? तो मेरा एक मैं लास्ट में कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि लक्की भाई हम जिस प्रोजेक्ट पे या मेरा एक विचार या विजन जो है वो ये है कि हम क्यों ना एक आदर्श ग्राम योजना जिसको मॉडर्न विलेजम कहते हैं, उस गांव के अंदर आपका एक मोबाइल बनाने वाला एक छोटा सा कारखाना, एक कोई भी मोबाइल रिपेयर करने वाला एक व्यक्ति जिसने टेक्निकल काम कुछ सीखा है वो अपने ही गांव में एक छोटा सा दुकान खोलेगा, और क्यों ना हमारे गांव के लोग उसी से सामान ले। फिर हमारे ही गांव में कोई जूते का कारखाना किसी का हो, क्यों ना सारे गांव की इकोनॉमी उसी से जूते खरीदे हम। फिर हमारे गांव में फिर क्यों ना एक और मिल्क प्रोडक्शन वाला कोई प्रोग्राम हो और सारा मिल्क उसी को दे और इकोनॉमी अपने गांव की गांव में रहेगी। क्यों ना हमारे गांव में कोई एक हर्बल खेती करने वाला हो और या कोई मानोहल चलाने वाला हो, हम क्यों बाहर से लाए फिर अपना उसी को क्यों ना पैसे दे करके हमारी भी खेती हो जाएगी, उसका भी काम चल पड़ेगा, उसका भी रोजगार चल पड़ेगा। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि अपने ही गांव में सारी चीजें हम उत्पाद करें, चाहे वो हम बिल्कुल स्मॉल जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्री प्रोग्राम भी हम कहते हैं, जो सरकार ऑलरेडी हम लोगों को उसके ऊपर बहुत सारा सब्सिडी भी दे रही है, बहुत सारे पैसे भी दे रही है कि आप एक छोटे छोटे प्रोग्राम जो है इन चीजों को करिए। अगर हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं अपने गांव में कि जूते बनाने वाला जूते का अच्छा कारखाना होता था उसका, कि वही इकोनॉमी की वही जो, अब गांव के मिस्त्री क्यों ना गांव के ही मिस्त्री गांव में काम करे भाई, बाहर भी तो जा रहे,
ताकि आपकी जो इकोनॉमी है, आपने जो इकोनॉमी है एक बड़ी सी बाल्टी ले ली, उसमें खूब सारा तेल घी पानी डाल दिया, पर उसके जो छेद से जो लीकेज थी उसको बंद नहीं किया। तो लीकेज ये थी कि जो हम कमा रहे थे शहर से 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए वापिस शहर में जा रहा था। किसके रूप में? मोबाइल खरीदा उसके रूप में, जूते खरीदे उसके रूप में, कपड़े खरीदे उसके रूप में, जितना बाहर से कमाया उतना फिर वहां पे दे दिया। तो आपका गांव कहां रह गया? ना तो गांव समृद्ध हुआ, ना सोसाइटी समृद्ध हुई, और ना ही कोई व्यक्ति विशेष जो है वो समृद्ध हुआ। इसलिए मेरा आज का मेरा ये मानना है कि हम इस तरह से कोई प्रोग्राम फिट करें अपने पूरे देश के अंदर, अपने गाँव, अपने सोसाइटी, अपने समाज के अंदर, कि गाँव की जो इकोनॉमिक की जो लीकेज है उसको बंद करने का काम करें। तो उसका बंद करने का यही एक तरीका है कि गांव में छोटे छोटे हर तरह के जो हमारी नीड्स की, जो डेली नीड्स की जरूरत की जो वस्तुएं या कारखाने हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्तर पे हम उसको शुरू करें, ताकि जो लीकेज है इकोनॉमी की वो रुके, वो स्थिर हो, और देश और गाँव और सोसाइटी समृद्ध हो। धन्यवाद। Oh